नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य और आप देख रहे हैं आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा भूगोल के वीडियो में आज का टॉपिक होगा विंड्स यानी पवन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वायुदाब, पृथ्वी पर वायुदाब किस प्रकार के कहां से कहां होते हैं। आज हम बात करेंगे पवन यानी कि हवाएं, समीर विंड्स। तो सबसे पहली बात यह है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ध्यान दीजिएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो हम पहले मैप में देखते हैं, इस फिगर में आप देखेंगे ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और उष्ण निम्न वायुदाब, सूर्य सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर चमकता है, मौसम गर्म रहता है, इसलिए क्या होगा निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब क्षेत्रों में क्या होगा, हाई प्रेशर से लो की ओर यानी यहां हवाएं आएंगी, उच्च से निम्न की ओर आती हैं। इन हवाओं को क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवने। चलिए साथ में लिखते चलते हैं, हेडिंग रहेगी व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स। इसमें आप क्या लिखेंगे, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। कटिबंध क्षेत्र क्या होता है, वायुदाब और तापमान के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं, उष्ण उपोष्ण ध्रुवीय उपध्रुवीय। तो चलिए हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लिखे, इसमें उष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर उपोष्ण उच्च दाब से आने वाली हवाएं व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं। देखिए, भूमध्य रेखा, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, निम्न वायुदाब, यहां उच्च वायुदाब यानी उपोष्ण से आने वाली हवाएं क्या कहेंगी, व्यापारिक हवाएं। ये परमानेंट हवाएं हैं, स्थायी हवाएं हैं, ये हमेशा बहती हैं, तो इन्हें व्यापारिक हवाएं कहते हैं। इनके डिटेल्स में आप ये लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पछुआ हवाएं। पछुआ हवाएं उच्च वायुदाब से, कोई भी हवा उच्च से निम्न की ओर चलेगी तो पछुआ कहां से कहां चलती है, उपोष्ण उच्च दाब से, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्रों की। ये फिगर देखिए आप, ये है पछुआ हवाएं दक्षिण ध्रुव गोलार्ध में, इसी तरह उत्तरी गोलार्ध में भी इन हवाओं की दिशा पश्चिम से आने के कारण इन्हें पछुआ हवाएं कहा जाता है। तो ये हो गई पछुआ हवाएं यानी पश्चिमी वेस्टर्लीज, पश्चिमी हवाएं उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर चलने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं। इसी बीच 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री तीन दक्षिणी गोलार्ध की तीन इन अक्षांशों पर चलने वाली हवाएं अत्यंत प्रचलित हैं, जिसे गरजता चालीसा, दहाड़ता पचासा और चीखता साठा, चीखता साठा कहा जाता है। क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है, गरजता चालीसा किसे कहा जाता है, तो आप लिखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली पश्चिमी हवाओं को गरजता चालीसा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है 50 डिग्री, क्वेश्चन फिर से वही आएगा, आपको वो याद रखना है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली तेज पश्चिमी यानी पछुआ हवाओं को दहाड़ता पचासा कहा जाता है। फिर आता है उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली पश्चिमी हवाओं को चीखता साठा कहा जाता है। ये हो गया पछुआ हवाएं। और उत्तरी गोलार्ध में इनका कोई बंटवारा नहीं, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर चलने वाली सभी पश्चिमी हवाओं को पछुआ हवाएं कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या है, जनमानस देश और महाद्वीप है, दक्षिणी गोलार्ध में इन क्षेत्रों पर कोई देश कोई द्वीप नहीं है, यहाँ समुद्री क्षेत्र होता है और समुद्री या खाली स्थान होने के कारण हवाओं की स्पीड बहुत तेज होती है, जिसे अलग अलग नाम दिया गया है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। यह हो गई पश्चिमी हवाएं।
उसके बाद आता है ध्रुवीय हवाएं, ध्रुवीय पवने। तीन नंबर पर आता है ध्रुवीय पवने यानी पोलर विंड्स। ध्रुवीय पवने शब्द के हिसाब जैसे पछुआ पश्चिमी दिशा से आती थी ध्रुवीय हवाएं। अब देखिएगा यहां क्या है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब निम्न की ओर आती हैं। कहां से, उच्च वायुदाब से। उच्च कहां होगा, ध्रुवों पर। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से वायुदाब यानी एयर प्रेशर वाला वीडियो निकालिए, वहां से देखिए कि वायुदाब कहां घटते कहां बढ़ते हैं। तो ध्रुवों पे उच्च वायुदाब होता है, और आपको बताया गया था तापमान कम वायुदाब ज्यादा, तापमान ज्यादा वायुदाब कम। ठीक, तो तापमान ध्रुवों पर कम होता है जिसकी वजह से वायुदाब उच्च यानी हाई प्रेशर होता है। तो हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती हैं, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ध्रुवीय पवने ध्रुवों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाओं को ध्रुवीय पवने कहते हैं, चाहे ये दक्षिणी गोलार्ध में हो चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। ये हो गया पृथ्वी पर ताप और दाब यानी वायुदाब के द्वारा हवाओं का वितरण। इतने प्रकार से, तीन प्रकार से वायुदाब के द्वारा हवाओं में अंतर होता है, उनके ऐसे ऐसे नाम है यानी ये पवने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या तरीका है पवनों के बंटवारे का। कुछ सिस्टम के हिसाब से आता है, पहला आता है मानसूनी पवने। अब देखते हैं मानसूनी पवने, शब्द के हिसाब से लग रहा है मानसून यानी कि मौसम, मौसम के हिसाब से लगभग मौसम के हिसाब से ही चलने वाली पवने मानसूनी पवने कहलाती हैं। और ये पवने मौसम के हिसाब से चलती हैं, छह महीने मानसूनी पवने मौसम के हिसाब से चलती हैं, इसमें छह महीने गर्मी होती है छह महीने सर्दी होती है। ये हो गई मानसूनी पवने। ये मानसूनी क्या है, मौसम जब बारिश का मौसम आता है, ये प्रचलित और स्थिर परमानेंट पवने हैं। जब मौसम आएगा, इस वर्ष मौसम आने पर हवाएं आई, अगली वर्ष फिर मौसम आएगा अगली साल तो फिर आएंगी, इस हिसाब से ये हो गई मानसूनी पवने। छह महीने गर्मी होती है छह महीने सर्दी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मानसूनी के बाद समुद्री और स्थलीय। समुद्री और स्थलीय समीर यानी स्थलीय पवन, इसमें क्या होता है, समुद्री पवन समुद्र से चलने वाली, स्थलीय पवन स्थल से चलने वाली। कैसे देखेंगे आप, ये जल हो गया, ये हो गया स्थल। जो जल से सागर से स्थल की ओर जो हवाएं चल रही है उन्हें समुद्री जल कहा जाए, समुद्री पवन कहा जाएगा। जो स्थल से जल की ओर आ रहे हैं सागर की ओर आ रही उन्हें स्थलीय पवन कहा जाएगा। अब बात यह आती है कि कब जल से स्थल की ओर जाएंगे, कब स्थल से जल की ओर। तो आपको पता है प्रेशर ज्यादा यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर कब होगा, यह हो गया समुद्र। यहां क्या है, दिन। समुद्री क्षेत्रों में दिन के समय पानी से यानी जल क्षेत्र से स्थल की ओर हवाएं चलेंगी, जिसमें क्या होगा, स्थल की ओर की गर्मी को मौसम अच्छा बनाकर रखेगा यानी ठंडी महसूस होगी। तो हाई प्रेशर दिन के समय, इधर लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ये समुद्री या जलीय पवने या समुद्रीय समीर हो गई। रात के समय जल ठंडा होगा, दोनों तरफ ठंडा क्षेत्र होगा। रात के समय यहाँ क्या होगी, ओस पड़ेगी, स्थलीय क्षेत्रों में ओस पड़ेगी, यहाँ का तापमान जल्दी से गिरेगा, और तापमान गिरने से क्या होगा, ठंडी होगी, ठंडी होने से प्रेशर हाई हो जाएगा, और यह समय हो जाएगा रात का। रात के समय यही हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगेगी, क्योंकि पानी देर से गर्म होता है देर से ठंडा होता है। जब ऊष्मा समुद्र का जल ऊष्मा सोख लेता है तो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है, स्थल भाग जल्दी ठंडा हो जाता है। यहाँ क्या होता है, ओस पड़ने लगती है, वायुमंडल ठंडा होता है, यहाँ क्या बनता है, हाई प्रेशर, उच्च दाब। उच्च दाब बनने से हवाएं उच्च से निम्न की ओर चलने लगती, तो रात्रि के समय स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आएगी, समुद्री और स्थलीय पवने। नेक्स्ट देखते हैं हम पर्वत या घाटीय पवने।
पर्वतीय या घाटी पौने, इसमें क्या होगा? चलिए देखते हैं, घाटी और पर्वत। घाटियों में क्या होगा? दिन के समय हाई प्रेशर, तापमान कम तापमान ज्यादा, हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर, घाटियों से पर्वत की ओर, यानी कि घाटी समीर, घाटी पवन। अब रात का समय, रात के समय पर्वतों पर ओस गिरने लगी और यहाँ क्या हो गया? ऊष्मा संचित हो गई, दिन भर की गर्मी यहाँ एकत्र हो गई, तो यहाँ बना लो प्रेशर। रात के समय हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी पर्वत से घाटी की ओर, कुछ इस तरह से फिगर बनाएंगे आप। ये हो गया घाटी, ये है पर्वत। पर्वतों से नीचे हवा आ रही है रात का समय, पर्वत से नीचे आ रही है रात, घाटी से पर्वत की ओर जा रही है हवा दिन। ये चीज देखेंगे आप, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये हो गया पर्वतीय या घाटीय पवने। इस तरह से तीन हो गई मौसम के, तीन हो गई वायुदाब के हिसाब से पवनों। अब इसके बाद क्या आता है? पवनों की कैटेगरी में आता है प्रचलित या स्थानीय पवने, तो ये आता है प्रचलित शब्द, ये लिखा है प्रचलित या स्थानीय। इसका मतलब होता है उन क्षेत्रों में परमानेंट, कुछ विशेष क्षेत्रों में लगभग हमेशा बहने वाली हवाओं को वहां का लोकल नाम दिया जाता है, और लोकल नाम देने से वहां के लोग उस हवा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस देश में बहने वाली हवाओं का क्या नाम है, या वहां की लोकल हवा का क्या नाम है, जिसे आप इसे लोकल विंड्स भी कह सकते हैं। दूसरी चीज, हवा का नाम दिया होगा, आपसे पूछेगा ये पवन या ऐसी समीर किस देश में, किस राज्य में चलती है, तो मैं उनके कुछ नाम लिख देता हूँ, पवनों के नाम, एक लिस्ट है मेरे पास, और देशों के नाम। चलिए शॉर्ट में थोड़ा सा लिखते हैं, दो चार लिस्ट के नाम, देशों और पवनों के नाम, जैसे चिनूक। चिनूक कहाँ चलती है? अमेरिका में। नेक्स्ट हॉर्न, कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहां लिख देता हूं, फोन कहाँ चलती है? यूरोप में। सिराको, हवा का नाम है सिराको। सिराको कहाँ चलती है? सहारा मरुस्थल के तरफ, तो यहां लिख देते हैं सहारा की तरफ। नेक्स्ट है हरमट्टन, मैं यहाँ चार पांच नाम आपको लिख के दिखाता हूँ, इसके अलावा आप एक लिस्ट पीडीएफ में पाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा सीआईडी अकेडमी जौनपुर। चलिए हरमट्टन देखते हैं, ये क्या है? सूखी हवाएं, ये भी सहारा के रेगिस्तानों में चलने वाली सूखी हवाएं, शुष्क हवाएं, यानी कि गर्म हवाएं। और देखते हैं कुछ, नेक्स्ट नाम है बोरा। एड्रियाटिक तट पर चलने वाली हवाएं, एड्रियाटिक तट पर चलने वाली हवाएं हैं, एक दो तीन चार पांच, ये लिस्ट मैं अभी पांच नामों का रखता हूं, इसके अलावा आप पीडीएफ में पूरी एक लिस्ट ले लेंगे जिसमें देशों के नाम और पवनों के नाम एक साथ रट लेंगे, उसे तो याद करना पड़ेगा। समझने की चीज ये थी, उम्मीद है ये समझ में आया होगा, ये कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेनेशन था। वीडियो तेज लगे तो आप धीमे कर सकते हैं, धीमे लगे तो तेज कर सकते हैं। थैंक यू।